YouTube channel, Trendonomics by Harsh Dixit. So, market same range में घूम रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी तीन दिन से लगातार एक ही रेंज में घूम रहा है, 24,300-350 ऊपर के साइड में, नीचे में 24,150. तो क्या लग रहा है भाई, मार्केट कहाँ जाएगा? 200 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है, तो क्या होने वाला है? सो आई एम गोइंग टू डिस्कस निफ्टी बैंक निफ्टी, बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ जो मैं आपको आपने रिक्वेस्ट किए थे हमारे यूट्यूब चैनल पे. तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, वॉच टिल एंड. इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा ज्यादा लाइक करो, ज्यादा ज्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक्स मैं शेयर कर रहा हूँ और वो मैं सिर्फ यूट्यूब पे करता हूँ ज्यादातर वीडियोज में, तो सबको मिलने चाहिए, राइट? एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स. लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ, चार्ट डालता हूँ, लाइव मार्केट में अपडेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. सो आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा हैंडल है @trendonomicsHD. टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ट्विटर के बायो में दिया है, यहाँ पे वहां पे आप फॉलो कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में. मेंटरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, सो यहाँ पे करो फॉलो. और फ्री बुक चाहिए जेटवेव का, तो फ्री कोर्स है, मैंने डिजाइन किया फ्री कोर्स और फ्री बुक, आपको कंप्लीट बुक मिलेगा यहाँ पे, हमारे वेबसाइट पे लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मेरे ट्विटर के हाईलाइट सेक्शन में भी लिंक है, चार पांच ट्वीट नीचे जाओगे तो उसका ट्वीट मिलेगा आपको, मैं रिपीट कर देता हूँ, वो आपको फ्री बुक मिलेगा. ओके, कंप्लीट बुक आप पढ़ सकते हो लेट का. ओके, लेट्स डिस्कस भाई, क्या लग रहा है अभी मार्केट, क्या लग रहा है निफ्टी, क्या लग रहा है? ओके, रेंज तो यूनिफाई स्टार्ट हो गई है हमारी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट वीक से, ऑब्वियसली राइट, ये जोन से जो रिवर्सल आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 21 नवंबर को, राइट? तो वेव फाइव तो स्टार्ट हो गई है, उसका टारगेट 28,000-29,000, डेट है 28-29 अप्रैल के आसपास आना चाहिए, 28,000-29,000 के बीच में मार्केट है, राइट? वो तो लंबा टारगेट है भाई, वो मीन्स वेव फाइव आनी है. तो आप अगर इन्वेस्टर हो तो डरना नहीं है, आपको एक वेव फाइव मिलेगी, वहां पे आप मीन्स प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो आपकी, राइट? तो वो तो जाना है, हाँ, लेकिन आप ट्रेडर हो ना, तो आप वो वेव फाइव का टारगेट भूल जाओ. ओके, क्योंकि इतना लंबा एफएनओ में कोई होल्ड ही नहीं कर सकता, चार मंथ पांच मंथ नहीं होल्ड कर सकते, और निफ्टी में तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि इतने स्विंग्स आते हैं ना. तो और मीन्स 5,000 पॉइंट के लिए आप चार पांच मंथ होल्ड करोगे, उससे अच्छा है एक हफ्ते में आपको सिर्फ 500 पॉइंट निफ्टी पे लाने. क्या पॉसिबल है एक हफ्ते में 500 पॉइंट्स का गेन करना निफ्टी में? डेफिनेटली पॉसिबल है. मैं बोलता हूँ 500 छोड़ो, 300 पॉइंट्स क्या पॉसिबल है? तो मैं बोलूंगा एलियट वेव के साथ तो डेफिनेटली पॉसिबल है 300 पॉइंट्स अ वीक. तो अगर 300 पॉइंट्स की गेन आप कर रहे हो वीकली, तो जब तक जो 28,000 जाएगा ना मार्केट, मीन्स 28 अप्रैल बोल रहा हूँ, तो यानी करीब करीब 20 वीक है अभी भी, तो 20 वीक्स में 300 पॉइंट्स के हिसाब से आपको 6,000 पॉइंट्स आएंगे. और आप अगर यहाँ से आप बाइंग करोगे आप, तो 4,500-4,500 पॉइंट ही आएंगे, राइट? तो बाय एंड होल्ड तो होता नहीं है एफएनओ में, तो छोटे छोटे गेन ट्राई करो, आराम से आपको 4,000-5,000 पॉइंट्स 20 वीक्स में मिल जाएंगे, राइट? तो अभी क्या वेव चल रही है? तो बड़ी वाली तो 5th वेव चल रही है, अभी छोटी वाली क्या वेव चल रही है? तो डेफिनेटली ये मींस फर्स्ट लेग हो गया, फिर सेकंड लेग में नीचे आना है, फिर ऊपर 3-4-5 मींस एक्सटेंशन में जाएगा मार्केट, राइट? जो भी है एक्सटेंशन देगा, क्या होगा वो तो हम देखेंगे, राइट? बट ओवरऑल व्यू है कि फर्स्ट हो गया, अब सेकंड वेव, क्या सेकंड वेव कंप्लीट हुई है यहाँ पे? ये दो दिन में जो करेक्शन में जा रहा है, हमारा व्यू तो वही था कि मंडे को लॉन्ग्स एग्जिट करना है, यहाँ पे बाय करने की भूल मत करना, बाय मत करना, वेट करना रिट्रेसमेंट के लिए. रिट्रेसमेंट आएगी कहां तक? रिट्रेसमेंट आएगी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे बी छोटी मोटी रिट्रेसमेंट यहां तक अगर चैनल को टेस्ट करने या एटलीस्ट ये गैप को टेस्ट करने आती है, लेकिन जिस हिसाब से ये प्राइस एक्शन चल रहा है दो दिन से ना, उस हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि ये चैनल टेस्ट करने आए या ये गैप टेस्ट करने आए, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है. आ सकता है ऑब्वियसली, लेकिन तो व्यू शॉर्ट टर्म का क्या है? मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू है कि फ्राइडे को बुलिश होना है, फ्राइडे तक बुलिश नहीं रहना है, मंडे को हम लॉन्ग्स एग्जिट कर दिए जो लास्ट वीक लिए थे, राइट? लास्ट थर्सडे को, थर्सडे नहीं, लास्ट थर्सडे को ही लिए थे, लेके गए थे, तो वो फ्राइडे होल्ड रखे और मंडे को एग्जिट किए. उसके बाद शॉर्ट भी ट्राई किया बट इतना वर्क नहीं हो रहा. मीन जो 3,000 पॉइंट्स की फॉल बेयर्स ले आए, वो अभी 300 पॉइंट्स की फॉल भी नहीं ला पा रहे बेयर्स. मीन्स कहाँ पे गया बेयर का पावर भाई? तो मीन्स अभी एक तो चीज है कि थोड़ा अभी बुल्स ने चालू किया है टेक ओवर करना, ओके, और बेयर्स थोड़ा कंट्रोल लूज कर रहे हैं, क्योंकि आइडियली 1,000 पॉइंट्स की रैली के बाद छोटा मोटा रिट्रेसमेंट तो आना चाहिए 300-400 पॉइंट का, लेकिन आ नहीं रहा. दो तीन दिन से सेम जगह पे मार्केट है, तो इंटरनल देखते हैं अभी क्या वेव काउंट्स है. तो फर्स्ट 5 वेव इंपल्स हो गई, उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है, 3 वेव में नीचे आ गया, फिर वापस ऊपर जा रहा है. तो मेरे हिसाब से क्या पैटर्न बन रहा है, आइदर ये डब्ल्यू एक्स वाई है या फिर ए बी सी, मीन सी में नीचे आएगा, या फिर ये डब्ल्यू है, ये एक्स है, और ये जो मैंने सी लिखा है वो वाई वेव. तो मीन्स ओवरऑल ये रेंज रहेगी, ये मेरा व्यू है. पहले थोड़ा व्यू था कि नीचे यहाँ पे टेस्ट में आना चाहिए, लेकिन वो डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट की प्राइस एक्शन चल रही है ना,
अभी भी व्यू है कि मे बी कल आ सकता है नीचे एक लास्ट झटका बेयर्स को अटकाने के लिए, और फिर मार्केट ऊपर जाएगा इंपल्स में थर्ड वेव के लिए। क्यों ये व्यू है? तो पहली बात तो अवरली चार्ट देख लो, तो अवरली चार्ट में अभी भी हम लोग ओवरबॉट है राइट, और मोमेंटम डाइवर्जेंस है। ये देखो मोमेंटम में डाइवर्जेंस है, निफ्टी ऑलमोस्ट न्यू हाई पे गया क्या, ऑलमोस्ट स्लाइटली मींस प्रीवियस हाई पे गया है, और लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर नहीं जा रहा है हाई पे राइट, तो मोमेंटम डाइवर्जेंस है और मींस ओवरबॉट जोन में भी है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे थर्ड वेव आएगी, मींस क्वेश्चन ये है कि करेक्शन वेव टू का या जो भी वेव है वो करेक्शन कंप्लीट हुआ है क्या, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई क्या, हुई है क्या? तो मेरा डाउट है कि अभी तक नहीं हुई है, एक बार नीचे आना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ ऊपर थर्ड वेव आएगी तो मीन्स ओवरबॉट जोन में थर्ड वेव कितनी ऊपर जाएगी, ये भी सवाल पैदा होता है राइट। तो मे बी 1-2-1-2 करके रिट्रेसमेंट देके ऊपर जाएगी क्या, वो देखना पड़ेगा। बट जब तक ये जोन क्लियरली मैंने मंडे को बताया था कि 350 के ऊपर अभी जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, ऊपर मीन्स 500 में रेजिस्टेंस मिलेगा, बट सेलिंग प्रेशर आना चाहिए, पॉज आना चाहिए, मोमेंटम में डाइवर्जेंस है राइट। तो अवरली पे मोमेंटम में डाइवर्जेंस है और 15 मिनट्स में बाय मोड में नहीं जा रहा, बाय मिनट्स में जाता है बाय मोड में लेकिन वापस सेलिंग में आ जाता है। तो 15 मिनट्स में भी देखो एक बार बाय मोड में गया था लेकिन सस्ते नहीं हुआ, वापस नीचे आ गया राइट। ये मोमेंटम इंडिकेटर, ये मोमेंटम इंडिकेटर आपको मिलेगा क्या? नहीं, आपको ये मोमेंटम इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये पब्लिक नहीं है, ये सिर्फ मैं मेंटरशिप में दे रहा हूँ। मेंटरशिप का डिस्कस करता हूँ, पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो मोमेंटम इंडिकेटर के हिसाब से अवरली पे डाइवर्जेंस है, 15 मिनट्स में बाय मोड नहीं आ रहा है, तो मीन जो थोड़ी ऊपर वाली टाइम फ्रेम है, 5 मिनट्स तो बहुत छोटी टाइम फ्रेम होती है, तो जो थोड़ी ऊपर वाली टाइम फ्रेम है उसमें इंट्राडे पे, इंट्राडे की टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ, उसमें अपने को बाय सिग्नल प्रॉपर जनरेट नहीं हो रहा, इसलिए मार्केट नीचे आ रहा है। तो एक्सपेक्टेशन है एक बार नीचे आए अवरली पे भी थोड़ा पुल बैक आ जाए निफ्टी में, फिर ऊपर वापस रैली एक्सटेंड करने को हम फ्राइडे से तैयार रहेंगे राइट। तो देखते हैं कल आती है क्या नीचे सी या वाई वेव, जो भी है जो भी है, क्या नीचे आती है क्या वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम में डाइवर्जेंस है और बाइंग सस्टेन नहीं हो रहा है। दूसरी एक चीज कि बैंक निफ्टी में भी देखो, बैंक अभी निफ्टी में ऑलमोस्ट प्रीवियस डे हाई के आसपास गया था लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं गया राइट, और बैंक निफ्टी क्लियरली थ्री वेव में ऊपर गया है। तो बैंक निफ्टी में करेक्शन कंप्लीट हुआ है क्या यहाँ पे? तो मुझे लग रहा है कि शायद नहीं हुआ है, मीन्स एक वाई वेव नीचे बैंक निफ्टी की भी पेंडिंग है और कल नीचे आएगी वो वेव और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, ये तो ये जोन है, और डेली पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में तो हमने क्लियरली कहा था कि ये 52-500 के आसपास का रेजिस्टेंस जोन है, वो इतने जल्दी क्लियर नहीं होने वाला, वहां पे सेलिंग आएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे में भी छोटी मोटी रिट्रेसमेंट ये टेस्ट करने या गैप, लेकिन वो डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि बेयर्स के पास ताकत ही नहीं बची है यार, मीन्स मार्केट ओवरबॉट है फिर भी नीचे नहीं आ रहा, मीन्स क्या बोलो, मीन्स जिन्होंने इतना मार्केट गिराया अब वो 300 पॉइंट निफ्टी में नहीं दे रहे, 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी में देने को क्या प्रॉब्लम है नीचे में। सो लेट्स सी क्या होता, अगर आती है कल डाउन साइड नीचे में तो देखेंगे हम लोग 24,100 के आसपास, या थोड़ा मे बी अगर ये एक्सपांडेड फ्लैट बन जाता है तो 24,060 के आसपास आ सकता है क्या मार्केट, वो कल देखना पड़ेगा। ये अगर उसके लिए ब्रेकडाउन 24,240 के नीचे ब्रेकडाउन आना चाहिए राइट, ये जो जोन है इसके नीचे ब्रेकडाउन आती है तो मार्केट नीचे जाएगी। ओके, इन केस मार्केट ऊपर वाली 350-360 के ऊपर ब्रेकआउट डे देता है तो फिर मींस हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं भाई करेक्शन कंप्लीट है और मार्केट को ऊपर जाना है, बट मींस वेट करेंगे हम लोग। मेरे हिसाब से एक बार नीचे रिटेस्ट होना चाहिए दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में, स्ट्रेंथ तो बुल के पास है बट मींस अगर हमें सस्टेन रैली चाहिए तो छोटी मोटी पुल बैक रिट्रेसमेंट आती है दैट विल बी बेटर राइट, क्योंकि मोमेंटम में अभी भी बाय सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा 15 मिनट पे, देखो बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक बार मोमेंटम में 15 मिनट्स में मोमेंटम इंडिकेटर में बाय सिग्नल जनरेट हुआ यहाँ पे, उसके बाद देखो जो भी पुल बैक आई मोमेंटम इंडिकेटर नीचे नहीं गया ये येलो और व्हाइट के राइट, और मार्केट ऊपर गया। तो और उसके बाद देखो, उसके बाद मोमेंटम इंडिकेटर नीचे गया फिर डाइवर्जेंस आया, उसके बाद से देखो साइडवेज जा रहा है राइट, 15 मिनट चार्ट पे देखो मार्केट साइडवेज जा रहा है। तो जब तक वापस मोमेंटम इंडिकेटर ऊपर व्हाइट के ऊपर सस्टेन नहीं होगा 15 मिनट चार्ट में, न्यू अप ट्रेंड नहीं आएगी फ्रेश, जैसे ये अप ट्रेंड आ गई तो थोड़ा बहुत पुल बैक आने दो। निफ्टी में भी सेम चीज है, देखो मोमेंटम इंडिकेटर जब यहाँ पे ब्रेकआउट डे के ऊपर गया राइट, ये कैंडल में ऊपर गया था ब्रेकआउट डे के मोमेंटम इंडिकेटर, उसके बाद देखो नीचे आया कब, ये कैंडल में, और उसके बाद साइडवेज जा रहा है मार्केट राइट। मोमेंटम इंडिकेटर नीचे आया यहाँ पे बराबर, उसके बाद मार्केट साइडवेज जा रहा है, ऊपर की बाइंग आ रही है लेकिन सस्टेन नहीं हो रही क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा कूल ऑफ आने दो उसके बाद हम जाएंगे। तो मोमेंटम इंडिकेटर तो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको मेंटरशिप में मिलेगा मीन्स, और ये जो छोटी छोटी वेव, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप 300-500 पॉइंट कमा लो ना यार, तो वो अगर ट्रेड करनी मीन सीखना है तो मेंटरशिप बैच अभी स्टार्ट हो रही है ये वीकेंड पे,
आपको आना है, आ जाओ सिखा दूंगा, राइट। और ये लास्ट चांस है भाई, आपका लास्ट चांस है, क्योंकि नेक्स्ट जो बैच रहेगी 2025 में स्टार्ट होगी, नए साल में स्टार्ट होगी, और उसका प्राइस 25,000 रहेगा। तो ये लास्ट बैच है जिसका प्राइस 20,000 है, उसके बाद की मेंटरशिप की प्राइस 25,000 रहेगी, उसके बाद फेब मार्च में नई एक और बैच जब स्टार्ट होगी उसकी प्राइस 30,000 होने वाली है। पहले से बोल के रखा हूँ 30,000 तक मैं प्राइस बढ़ा के ले जाने वाला हूँ। जब 28,000 इंडेक्स जाएगा तो मैं प्राइस 30,000 कर दूंगा, और 2025 की जनवरी की जो बैच रहेगी उसमें मैं प्राइस 25,000 करने वाला हूँ। आना है, अभी आ जाओ। मेंटरशिप में क्या क्या सिखाते, तो सभी सभी चीज सिखाते हैं हम लोग, मीन्स कैसे निफ्टी को आइडेंटिफाई करनी है, वे छोटी सारे वे टाइम फ्रेम पे, देखो सारे टाइम फ्रेम पे मार्केट 1, 2, 3, 4, 5 एबीसी में ही चलता है, राइट। दूसरा कोई पैटर्न बनाता ही नहीं है मार्केट, राइट। क्या पैटर्न है, 5 waves up 3 waves down, राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 5 up और 3 down, ये अपना इलियट वेव का पैटर्न है और ये साइकिल में ही चलता है। तो 5 up के बाद एक 3 wave down आएगी, 3 wave down कंप्लीट होने के बाद वापस नेक्स्ट 5 up आएगी। तो ये साइकिल आपको अगर सीखना है हर एक टाइम फ्रेम पे, छोटी और बड़ी, तो आप मेंटरशिप में आ जाओ। सारे पैटर्न सिखाता हूं मैं पूरे, मीन्स इंपल्स, डायगोनल, ज़िगज़ैग, फ्लैट, ट्रायंगल कॉम्बिनेशन, सब पैटर्न्स, उसको ट्रेड के आइडेंटिफाई कैसे करना है हर एक टाइम फ्रेम पे। मैं तो 5-15 मिनट के भी चार्ट पे टाइम फ्रेम पे इलेक्ट वेव लगा देता, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो मुझे डेफिनेटली 5-15 मिनट चार्ट मायने रखता है, क्योंकि वीकली ऑप्शन ट्रेड करनी है तो 5-15 मिनट चार्ट पे ही लगानी है ना। इंपल्स आएगी तो ही मेरा ऑप्शन सक्सेसफुल होगा बाइंग, अदरवाइज इंपल्स नहीं आती है कोई भी साइड, ऊपर या नीचे की साइड, तो ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं मिलता। जैसे कि ये करेक्टिव वेव में जा रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता क्योंकि इंपल्स नहीं आ रही है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में बनता है। तो मीन्स आपको सीखना है अगर प्रॉपरली इंपल्स आइडेंटिफाई करना, करेक्टिव वेव आइडेंटिफाई करना, तो मेंटरशिप में आ जाओ, सिखा दूं बस। और सिर्फ इंपल्स और करेक्टिव वेव्स नहीं सिखाता हूं मैं, पूरा ग्लोबल मार्केट कैसे एनालाइज करना है, हम सारे मार्केट देखते हैं, कमोडिटीज भी देखते हैं, हम मैक्रो एनालिसिस भी करते हैं। मैक्रो एनालिसिस में क्या रहता है कि पूरा जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि बिटकॉइन में पैसा जा रहा है तो ग्लोबली रिस्क नहीं है, बराबर। तो मीन्स बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड्स, यील्ड्स, करेंसीज, कमोडिटीज, ये सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं और पूरा ग्लोबल व्यू लेते हैं मार्केट का, उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि मार्केट का ब्रॉडर व्यू क्या है, साइकिल कौन सा चल रहा है, लॉन्ग टर्म का साइकिल, इन्वेस्टमेंट साइकिल, सब इकोनॉमिक साइकिल, वो सब चीज हम डिस्कस करते हैं। और फिर मीन्स अगर समझो वेव, ऑब्वियसली हम राइट हो एवरी टाइम नहीं रहेंगे, तो अल्टरनेट वेव कौन कैसे आइडेंटिफाई करना है, इनवैलिडेशन पॉइंट कैसे करना है, मीन्स इनवैलिडेशन पॉइंट क्या होता है, रूल्स, गाइडलाइंस, और फिर अल्टरनेट वेव कौन अगर है कोई बेस्ट अल्टरनेट, तो उसको ट्रेड कैसे करना है। ऑब्वियसली हम तो ट्रेड भी करते हैं, अगर प्रिफर्ड व्यू फेल जाए तो अपोजिट व्यू में ट्रेड करना है, तो वो सब चीज हम सिखाते हैं। उसके अलावा ये तो सब टेक्निकल हुआ, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि देखो चार्ट तो सबको पता है यार, मीन इलियट वेव आप बुक से पढ़ोगे, जो कुछ भी पढ़ोगे, राइट, थोड़ा बहुत आपको जमेगा। मेंटरशिप में आओगे, मीन्स कोर्स करोगे, समझो ये कोर्स करोगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या पैटर्न है, लेकिन मनी मैनेजमेंट, माइंडसेट मैनेजमेंट, वो कौन सीखेगा। और मेंटरशिप में लाइव रहता है इंटरेक्टिव, राइट, सैटरडे संडे की रहेगी 10 to 1, और कुछ कुछ लाइव मार्केट के सेशन भी रहेंगे ऑब्वियसली। सो और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कितना रिस्क लेना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एवरीथिंग वी विल टीच, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट माइंडसेट मैनेजमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिसीजन तो हम माइंड से ही लेते हैं, अनलेस एंड अंटिल यू हैव सम अल्गो, फिर भी उसमें भी आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास ही है। तो रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट मैनेजमेंट, इमोशंस मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर ट्रेडिंग सक्सेस, राइट। और ऑब्वियसली स्ट्रेटेजी तो इंपॉर्टेंट है ही, और ऑप्शन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इलियट वेव, मैं ये नहीं बोल रहा कि इलियट वेव से आप मीन डेफिनेटली बनोगे, लेकिन इलियट वेव से आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी, इलियट वेव इंपॉर्टेंट है। तो आना है, आ जाओ, सिखा दूंगा, ये लास्ट चांस है आपको, 20,000 में मिल रहा है, ओके। ये वीकेंड पे स्टार्ट हो रही है बैच। तो निफ्टी बैंक निफ्टी तो व्यू क्लियर है कि एक रेंज है, ये रेंज में रहेगा, और फ्राइडे के बाद ये रेंज अगर ब्रेकआउट आता है तो हम न्यू वे में ऊपर जाएंगे। ओवरऑल बाकी के इंडेक्सेस में भी सेम व्यू है। तो अभी मैं स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ, तो आपने पूछा था हमें टाटा स्टील पूछा था, राइट। तो टाटा स्टील की क्या वेव काउंट है, तो देखो फोर्थ वेव चल रही है टाटा स्टील की, राइट, जो मैंने डिस्कस किया था। मेटल्स आपने पूछा है, मेटल्स डिस्कस करते हैं, चलो। तो देखो टाटा स्टील में ब्रॉडर तो थर्ड वेव चल रही है, राइट, और उसके बाद डेली पे क्या वेव चल रही है, तो डेली पे हम फोर्थ वेव की रिट्रेसमेंट में है, राइट। ये देखो 1, फिर ये सेकंड हो गई, फिर ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, और एक फिफ्थ पेंडिंग है ऊपर में। तो फिफ्थ कहां तक जा सकती है, तो मे बी ये यहाँ पे जा सकती है वेव 5 में, ओके, ऊपर में 250 के आसपास। क्या फोर्थ वेव कंप्लीट हुई है, तो अभी उसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वेव 4 यहाँ पे कंप्लीट हुई है। मोस्ट प्रोबेबली तो हो गई है, ओके, मोस्ट प्रोबेबली वेव 4 माइनर डिग्री की कंप्लीट हो गई है और ऊपर जाना चाहिए स्टॉक,
बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ये स्विंग हाई है, देखो क्या है 157। देखो अगर 260 जाना है, 157 के ऊपर लोगे तो क्या आपको लॉस होने वाला है, क्या प्रॉफिट ही होगा ना। तो वेट करो, मूविंग एवरेज के ऊपर आने दो, 89 डे मूविंग एवरेज 153 है, तो उसके ऊपर एक बार जाएगा, सस्टेन होगा, हायर टॉप हायर बॉटम बना के, तो मार्केट ऊपर वाली वेव में डेफिनेटली जाना ही है। मैं यहां से लेके बैठा हूँ, मैं ये जोन से लेके बैठा हूँ, मैं होल्ड करके बैठा हूँ, मैं 2 साल से होल्ड करके बैठा हूँ, मेरे पास कन्विक्शन था कि हाँ ये 250, 260 या 300 जाना चाहिए, तो मैं 2 साल से लेके बैठा हूँ। राइट, आपके पास नहीं होगा आप, क्योंकि ये 6 महीने से करेक्शन में है, तो आप थोड़े डरे रहेंगे, बट डर के आगे जीत है, वेव 5 इज इनएविटेबल, वो आनी है। वेदांता भी सिमिलर पैटर्न है। राइट, ये देखो थर्ड और ये देखो ये फोर्थ क्या हो गया, ये देखो 1 2, ये देखो फर्स्ट एंड सेकंड, फिर उसके बाद ये राइज आ गई ऊपर की, थर्ड के बाद फोर्थ वेव, देखो ए बी सी नीचे आ गया, क्या फोर्थ वेव कंप्लीट हुई है वेदांता की। अभी वो कैसे पता चला कि फोर्थ वेव में है, देखो यहाँ पे ऊपर गया था ब्रेकआउट डे के, बराबर ब्रेकआउट डे के ऊपर गया था, लेकिन 3 वेव्स में ही ऊपर गया, और फिर ये जो सेंटर लाइन है वो तोड़ के ऊपर आ गया, फिर ये जो ब्रेकआउट दिया था वो फेल हो गया, बराबर। तो समझ आता है कि नहीं ये अभी भी उसकी फोर्थ वेव करेक्शन में चल रहा है, फिर ये जब ट्रेंड लाइन टूटती है तो भी हमें पता चलता है कि हाँ फोर्थ वेव करेक्शन में चल रहा है, ये मीन्स इनवैलिडेशन पॉइंट के भाई नई वेव चालू नहीं है अभी तक, और 1334 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे। राइट, तो अभी फिफ्थ वेव चालू हुई है क्या, तो वेट करो ना, ये स्विंग हाई मैं बोलता हूँ उसके ऊपर जाने दो, या फिर एटलीस्ट 13 और 34 मूविंग एवरेज के ऊपर जाने दो ना, एक बार क्लोज आने दो, सस्टेन होने दो, उसके बाद वेव 5 आएगी ना, वेव 5 कहाँ तक जाएगी भाई, बहुत ऊपर जानी है वेव 5, ये देखो 800 तक तो जानी है वेव 5। तो आप अगर 480 को लेते हो और 800 छोड़ो, और स्टॉक चला जाता है, अभी 800 ही आ रहा है टारगेट मेरे को, ओके 798 जाता है, तो प्रॉफिट तो होना ही है ना। आपने और क्या पूछा था, आपने रमा स्टील पूछा था, राइट, एमएमटीसी मैंने कल ऑलरेडी डिस्कस किया है, वेट करो। ओके, रमा स्टील में मेरी वेव काउंट सेम है अभी भी, ये देखो यहाँ पे ये एक करेक्टिव वेव कंप्लीट हो गई, उसके बाद ये 1 और 2 है, ओके ऊपर जानी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ मीन्स उसकी और 3 वेव ऊपर की बाकी है। मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मेरा ये स्टॉप लॉस रहेगा 10 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो मैं तो होल्ड कर रहा हूँ रमा स्टील, और आई विल होल्ड फॉर द नेक्स्ट वेव्स हायर रमा स्टील में, ओके विद द स्टॉप लॉस ऑफ 10 रुपीज। ओके, आपने मिधा नहीं पूछा था, लेट सी मिधा नहीं क्या है, मिश्र धातु तो वेव 4 में ही चल रहा है, देखो मिश्र धातु देखो सिंपल, ये देखो 1 2, फिर ये 3 के बाद फोर्थ हो गई, और अभी फिफ्थ में जाना चाहिए, और थोड़ा डाइसी है मिधानी में कि क्या उसकी वेव 5 ऑलरेडी हो तो नहीं गई है, डाइसी है मुझे, बट ये देखो ये जो रैली है ना वो 3 वेव में भी आई है। ओके, मींस अगर समझो मैं गिनता हूं कि ये यहाँ पे फोर्थ हो गई, फिर मींस उसकी फिफ्थ यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, अगर मैं ऐसे गिन रहा हूँ, समझो मैं गिन रहा हूँ बाय चांस, तो यार यहाँ पे मुझे 5 वेव चाहिए, क्या वो है, ओ माय गॉड, मे बी मे बी मे बी मे बी। तो मिधानी थोड़ा डाउटफुल है, देखो क्या है कि ओवरऑल मार्केट में जैसे फिफ्थ वेव आती है मार्केट में, जब तो फिफ्थ वेव में कुछ कुछ स्टॉक पहले टॉप आउट होते हैं, कुछ कुछ स्टॉक बाद में टॉप आउट होते हैं, तो मींस यहां से वेव उसकी स्टार्ट हुई है 1 2, मे बी उसकी फिफ्थ कंप्लीट हुई है, राइट, तो मे बी हुई है, आई आई थिंक सो। तो क्या होगा उसके बाद, क्या होगा, ओके आपको एग्जिट मिलेगी क्या, कितना नीचे जाएगा, तो ये ए वेव है, ऊपर रिट्रेसमेंट बी में आएगी, फिर सी में, तो आप बी वेव में निकल जाओ बाहर निधानी में नेक्स्ट 4 5 मंथ में, और फिर मीन उसके बाद का जो साइकिल रहेगा वो वापस ऊपर ही जाने वाला है, राइट। तो नेक्स्ट 3 4 मंथ में देख लो, बी वेव में अगर आता है ऊपर मिदानी में, तो वहां पे आप एक बार कैश आउट कर सकते हो, राइट, और फिर नेक्स्ट वेव की साइकिल में आप उसको ट्रेड कर पाओगे, राइट। अभी फिलहाल के लिए तो मेरा यही सजेशन है आपको मिदानी में। ओके, तो मैं सिंपल पैरेलल ट्रेंड चैनल लगा देता हूँ, ओके तो आप हमें सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पता चलेंगे, अगर मैं पैरेलल ट्रेंड चैनल लगाता हूँ तो कहाँ पे मिलेगा उसको मीन्स नेक्स्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट, तो मेरा हिसाब मेरे ख्याल से ये अगले 1 साल तक ये रेंज रहनी चाहिए मिदानी की, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट वाली वेव में ऊपर जाएगा। मीन आपका अगर 3 साल का व्यू है तो मिदानी अभी भी अच्छा है, बट आप अगर 1 साल में 1 साल का व्यू है मिदानी के लिए, तो पॉसिबल है कि ये ऑलरेडी इसकी 5 वेव हो गई है 1 2 3 4 5, फिर एबीसी रिट्रेसमेंट में बी वेव में आपको एक बार एग्जिट लेना है, मीन वो देखना है कि बी वेव आती है क्या आती है, वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन एक रिट्रेसमेंट तो मिलेगी आपको, राइट। तो ये सिंपल ट्रेंड चैनल चैनलिंग टेक्निक ये भी सिखाते हैं हम लोग मेंटरशिप में, सब कुछ सिखाएंगे, चैनल कैसे लगाना है, एवरीथिंग वी विल टीच यू। तो मे बी मिधानी हो गया है 5 वेव्स, आपने रमा स्टील पूछा रमा स्टील, राइट, और क्या क्या स्टॉक्स पूछे हैं आपने, बहुत सारे स्टॉक्स पूछे हैं वैसे तो, ओके आपने फार्मा के भी 1 2 स्टॉक्स पूछे हैं, राइट, आपने ऑरो फार्मा पूछा था, ऑरो फार्मा क्या लग रहा है, तो देखो ऑरो फार्मा में
एक पहले तो मैं ब्रॉडर वेव काउंट बता देता हूँ, मंथली की वेव काउंट बता देता हूँ। ओके, तो मंथली पे क्या साइकिल है, ये देखो, ये तो मेन जबरदस्त चल रहा है, देखो ये 1 2, फिर ये 3 4, फोर्थ हो गई मंथली पे, फिफ्थ में जाने वाला है वो। ओके, मंथली में वेव फाइव में जाएगा वो वेव फाइव कहाँ तक जाएगी, ऑरो फार्मा की, तो वो वेव फाइव जाएगी 2027 तक, अगर हम सोचते हैं तो ऊपर तक 14,000 तक जाएगी। ओ रुको रुको रुको, वो तो मीन्स लंबी लॉन्ग टर्म की साइकिल है भाई। शॉर्ट टर्म आप तो, शॉर्ट टर्म देखो, अगर कोई स्टॉक 1 महीना भी नहीं चले ना तो आपकी बत्ती गुल हो जाती है, मुझे पता है, इतना लंबा आप सोच ही नहीं पाते हो। तो शॉर्ट टर्म की ही देखते हैं, लॉन्ग टर्म के सपने मत देखो। शॉर्ट टर्म में 5 वेव साइकिल हो गया है, तो वेव 2 में चल रहा है उसका। ओके, वेव ये देखो 5 वेव हो गए ऑरो फार्मा के। ओके, ये देखो थर्ड के बाद ये फोर्थ, और फोर्थ के बाद फिफ्थ में फर्स्ट हो गया है। ओके, फिफ्थ में फर्स्ट हो गया, फिफ्थ में सेकंड में चल रहा है, तो फिफ्थ में सेकंड में मे बी ये रेंज अभी भी वही वैसे की वैसे रहेगी। ओके, लेट्स सी वीकली पे देखते क्या है। तो ये रेंज का ब्रेकआउट तो आया था, तो मेरे ख्याल से ओके लेट मी चेक द सपोर्ट जोन। ये वेव्स है, आइडियली वेव काउंट यहाँ पे 1 2 3 4 5 वीकली। ओके, देखो 1 2, फिर ये थर्ड एक्सटेंशन में गया, फिर ये फोर्थ और फिफ्थ, और ये सेकंड में जा रहा है ए बी सी, तो मोस्टली ए में कंप्लीशन होके बी जाएगी, फिर सी नीचे जाएगी। ओके, और फिर उसके बाद वो जाएगा उसकी अपर वेव में, ऊपर वाली वेव में। तो मींस अगर रिट्रेसमेंट आती है नेक्स्ट 3 मंथ में, तो आप एक बार आपको एग्जिट लेनी पड़ेगी, या फिर मींस लॉन्ग टर्म अगर होल्ड कर सकते हो तो भाई वेल एंड गुड, बट मींस क्या आपका उतना कन्विक्शन है लॉन्ग टर्म का? अब मेरे पास स्टॉक है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूं। नेटको फार्मा पूछा था आपने, राइट? तो नेटको फार्मा की क्या वेव है, तो ये देखो, ये तो एक तो ये मस्त ब्रेकआउट आया है नेटको फार्मा में। ओके ओके, ये देखो, ओके लॉन्ग टर्म की क्या वेव्स है, ये देखो लॉन्ग टर्म की वेव कौन नेटको फार्मा की क्या है। ओके, ये सिंपल चैनल डालना है। ओके, एलियट वेव भूल जाओ, आप चैनलिंग देख लो। ओके, तो चैनल के हिसाब से स्टॉक डाउन चैनल से अप चैनल में जाता है, बराबर, ये अपना ट्रेंड चैनल का ये है एनालिसिस, बराबर। एलियट वेव भी वही कहता है, एलियट वेव कोई दूसरा नहीं, चीज नहीं कहता, राइट? इलेट वेव के हिसाब से नेटको फार्मा में 1 2 3 4 फिफ्थ में जा रहा है, लेकिन ये इंटरमीडिएट डिग्री की वेव काउंट है, मीन्स ये लॉन्गर टर्म की वेव काउंट है, राइट? तो इतना लॉन्ग टर्म का आपके पास पेशेंस होना चाहिए सोचने का, होल्ड करने का, राइट? बट शॉर्ट टर्म में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो बैंड बजने वाली है, राइट? तो शॉर्ट टर्म में क्या है, तो वापस ट्रेंड चैनल ड्रॉ करो 1 2 3 4 5, राइट? शॉर्ट टर्म की ट्रेंड चैनल में एक बार वेव फाइव में वो ऊपर जाएगा, आपको माइनर डिग्री की, क्या वेव फोर कंप्लीट हुई है, थोड़ा डाइसी है बोलना, बट माइनर वेव में वेव फोर में है। अगर वो मीन्स वेव फोर जब भी कंप्लीट होगी, वेव फाइव में जाएगा वो ऊपर नेटको फार्मा। ओके, ऊपर वाली ट्रेंड चैनल को टेस्ट करने जा सकता है। ओके, शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट 3 4 मंथ में, और फिर उसके बाद ओके जस्ट अ सेकंड, तो ये चैनल यहाँ पे आएगी शॉर्ट टर्म की। ओके, तो मे बी एक डाउन लेग शायद यहाँ तक पेंडिंग हो नीचे में, राइट? फिर अप लेग आएगी वेव फाइव में मार्च तक, उसके बाद वापस एबीसी करेक्शन आएगा नीचे, राइट? ए बी सी नीचे वेव फोर तक आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा वापस। जाना तो ऊपर उसको बहुत है, जाना तो उसको बहुत ऊपर है, राइट? बट शॉर्ट टर्म में ये है उसका नेटको फार्मा। आपने और पूछा था, नेटको पूछा था, और क्या क्या पूछे, लेट्स सी, बहुत सारे स्टॉक्स आपने पूछे हैं, मैं रोज आपको डिस्कस करूंगा स्टॉक्स। ओके, तो रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मैं आपके स्टॉक्स तो दे रहा हूँ आपको, राइट? तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को। ओके, तो आपने डिफेंस शिपिंग के बारे में पूछा था, बीडीएल पूछा था आपने, तो बीडीएल की क्या व्यू काउंट है, सिंपल देख, लॉन्ग टर्म की व्यू काउंट कर देखोगे 1 2, ये थर्ड हो गई, फोर्थ में रिट्रेसमेंट में मोस्टली कंप्लीट हुई है, फिफ्थ में ऊपर जाएगा वो, राइट? तो फिफ्थ वेव कहाँ तक आएगी बीडीएल की, तो या ये हायर ट्रेंड चैनल को टेस्ट करने जाएगा, राइट? अप्रैल तक, उसके बाद ऑब्वियसली उसके बाद वापस नीचे जाने का। तो आपको अप्रैल तक एक बार पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग करनी ही है, राइट? आपने बीएमएल पूछा था, बीएमएल आई थिंक मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, बीएमएल में क्या है, देखो ये 1 2, फिर वापस 1 2 3 4 5, राइट? ये देखो डेली पे अगर जाओगे, सिंपल ट्रेंड चैनल, देखो मैं ट्रेंड चैनल की टेक्निक आपको सिखाऊंगा मेंटरशिप में, बहुत सिंपल होता है, देखो सारे व्यूज चैनल में ही चलते हैं। देखो 1 2 3 4, फोर्थ कंप्लीशन के बाद फिफ्थ वेव में जाएगा, राइट? अभी फिफ्थ वेव में मोस्टली जा रहा है वो बीएमएल। ओके, ये देखो ऊपर आ रहा है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। ओ ओ ओ ओके, तो
वेव फाइव में अभी मोस्टली जा रहा है अभी ये मिल, राइट, वेव फाइव में ऊपर जाएगा, फिर मीन्स उसके वहां पे वो उसकी हायर डिग्री की थर्ड वेव कंप्लीट होगी, फिर फोर्थ आएगी, फिर फिफ्थ आएगी, राइट, इंटरमीडिएट डिग्रीज की वेव है, राइट। ये देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट डिग्री की थर्ड कंप्लीट होगी उसकी, तो वो ट्रेंड चैनल में डालूंगा वहां पे। ये देखो सिंपल, जब ये थर्ड कंप्लीट होगी वहां पे वो ट्रेंड चैनल जाएगी, फिर वापस नीचे आने वाला है फोर्थ वेव रिट्रेसमेंट को। ओके, और डेली पे चैनल देखते हैं हम लोग। चलो ये देखो, तो आइडियली यहाँ पे उसकी ये वेव थर्ड कंप्लीट होगी, फिर फोर्थ को नीचे आएगा, वापस फोर्थ में नीचे आएगा, वीकली जाते हैं। चलो तो डेली पे, आई मीन सॉरी, वीकली पे फिफ्थ वेव में यहाँ पे, उसके बाद वापस नीचे, फिर फिफ्थ में और ऊपर, राइट। ये इंटरमीडिएट डिग्री की वेव पॉइंट है, तो मीन्स ये एक साल में तो कुछ नहीं होगा। कोचिन शिपयार्ड सिमिलर है, देखो 1 2 3 4 फिफ्थ में जाना है ऊपर, फिफ्थ जाएगी ऊपर, उसके बाद वापस नीचे ही आएगा, राइट। क्यों क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा इलियट वेव पैटर्न में ही चलता है, दूसरे कोई पैटर्न में चलता ही नहीं है। ओके, ये देखो ये ट्रेंड चैनल, अब ये वीडियो में आपको मैं ट्रेंड चैनल सिखा रहा हूँ कैसे डालते हैं, फ्री में सिखा रहा हूँ, राइट। ये देख, बहुत इजी है ये, बट इसमें आप बिलीव करते हो इलियट वेव में तो ही आप, मीन्स बिलीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट। लोग जब मीन्स करेक्शन आते हैं, अभी ये 50% करेक्शन आ गया, मैंने जुलाई में अलर्ट किया था मेरे स्टूडेंट को कि नहीं आप एग्जैक्ट डेट पे, कि नहीं यहाँ पे थर्ड वेव उसकी कंप्लीट हो रही है, रिट्रेसमेंट आएगी, थोड़ा बच के रहना। वो आ गया नीचे 61% रिट्रेसमेंट, अब फिफ्थ जानी है, राइट, फिर फोर्थ वापस नीचे आएगी इंटरमीडिएट की, फिर वापस ऊपर जाएगी मार्केट, राइट, उसकी फिफ्थ ऑफ फिफ्थ कंप्लीट करने, राइट। तो ये साइकिल तो चलते ही जाना है, राइट। जीआरएसी सिमिलर पैटर्न है, जीआरएसी में क्या है, देखो वेव चल रही है उसकी 1 2 1 2, राइट, एक्सटेंशन में जा रहा है ऊपर, तो जाएगी फिफ्थ वे ऊपर वापस जीआरएसी की, उसके बाद वापस नीचे आना है उसको टेस्टिंग करने वेव फाइव होने के बाद, राइट। ये देखो आएगा ही, उसको आना ही पड़ेगा, राइट। और आपने कौन से स्टॉक पूछे हैं, लेट्स सी, और क्या क्या पूछा है आपने। तो देखो आपने जोमेटो पूछा था, तो भाई जबरदस्त ये होता है, देखो वेव थर्ड में एक्सटेंशन कैसे आता है, देखो 1 2 ये बेस ब्रेकआउट, और हमने जोमेटो बेस ब्रेकआउट में शेयर किया था, मैंने शेयर किया था जोमेटो बेस ब्रेकआउट में, आई थिंक यूट्यूब में ही किया था, ट्विटर पे शायद नहीं किया था, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन यूट्यूब में तो किया था मैंने जोमेटो बेस ब्रेकआउट के बाद। और बेस ब्रेकआउट के बाद देखो क्या जबरदस्त का चल रही है उसकी वेव्स, थर्ड वेव में चली रहा है, चली रहा है, क्या थर्ड वेव कंप्लीट हुई है या वी डोंट नो, एक्सटेंशन में जा रहा है, एक्सटेंशन में जा रहा है, कहाँ तक जा सकता है, क्या यहाँ पे वेव 3 कंप्लीट हुई है, कांट से मे बी यहाँ तक चल सकता है यहाँ पे, राइट। तो अपसाइड है थोड़ी बहुत जोमेटो में थर्ड वेव की, ओके, उसके बाद फोर्थ वेव की रिट्रेसमेंट आएगी, ओके, वेव 4 ऑब्वियसली हो तो आनी पड़ेगी, 3 के बाद 4 आएगा ना, ऑब्वियस है, दैट इज वेरी ऑब्वियस, और फिर उसके बाद वापस वेव 5 में ऊपर जाना है जोमेटो, ओके। तो देखो आपको अर्ली वेव में पकड़ना है, अर्ली साइकिल, ये देखो ये अर्ली साइकिल ये है, ये बेस ब्रेकआउट, तो वो आपको पकड़ना आना चाहिए, जैसे हमने बीएसई पकड़ा था, राइट। और पेटीएम भी सिमिलर है, देखो पेटीएम भी सिमिलर बेस ब्रेकआउट है, ओके। ये देखो आपने पेटीएम पूछा है, अभी वॉरेन बफेट ने तो एग्जिट किया पेटीएम, बट उसके बाद गिरा नीचे और ऊपर आ गया, देखो अब ये देखो ये ट्रेंड चैनल डाउन ट्रेंड चैनल है, उसको ब्रेक करके वो ऊपर जा रहा है, तो चांसेस है पेटीएम में, अभी क्या बन रहा है, फर्स्ट उसकी इंपल्स बन रही है, फर्स्ट इंपल्स, तो फर्स्ट इंपल्स खत्म कब होगी पेटीएम की, तो ये ट्रेंड चैनल लगाओ सिंपल ऊपर में, राइट, ये चैनल है, तो ये चैनल की हायर एंड में भी इंपल्स खत्म होती जाएगी, हायर टॉप हायर बॉटम बनाते जाएगा, राइट। अब ये ब्रेकआउट देगा वो और हायर टॉप हायर बटन बनेगा, अभी यहाँ पे एक्सटेंशन पता नहीं चल रहा पेटीएम का, ओके, 1 2 1 2 करके ऊपर जा ही रहा है, जब तक ये ट्रेंड चैनल ब्रेक नहीं होता वो ऊपर एक्सटेंशन में जाते रहेगा, जब तक कि ट्रेंड चैनल ब्रेक होता नहीं है वो ऊपर एक्सटेंशन में जाते रहेगा ऊपर की साइड में, और जब ट्रेंड चैनल ब्रेक होगी फिर वो नीचे आएगा, राइट। तो और मोमेंटम में भी कुछ डाइवर्जेंस ऐसा दिख नहीं रहा, मीन ऊपर ही जा रहा है अभी भी, कोई लोअर टॉप तो नहीं आ रहा, अगर ये ब्रेकआउट देता है ऊपर में वी डोंट नो, बट एक चीज है देखो ये करेक्टिव हो गई, ये बेस है, बेस के क्या बेस का ब्रेकआउट देगा, अभी रेजिस्टेंस पे है, मींस अभी पेटीएम बेस का होगा क्या ब्रेकआउट वी डोंट नो, बट एक चीज है कि अभी वो फर्स्ट वेव में है, वेव 1 में है, जब वेव 1 कंप्लीट होगी वेव 2 की करेक्शन आएगी, फिर उसकी मीन्स बड़ी वाली वेव, तो आप रुको अभी, आप अगर पेटीएम बाय मत करो अभी, थोड़ा
वेट करो, मीन शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो बाय कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टर हो तो उसकी सेकेंड वेव रिट्रेसमेंट के लिए वेट करो, वो आपको 1 साल तक वेट करना है। जब वो सेकेंड वेव रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी मे बी नेक्स्ट ईयर, उसके बाद आप बड़ी वाली थर्ड वेव के लिए ट्रेड कर सकते हो, राइट, आई मीन इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें। सो वेट करेंगे, मैं तो वेट करूंगा, लेकिन ये स्टॉक में मैं डेफिनेटली उसकी नेक्स्ट वाली थर्ड वेव के लिए, जैसे मैं भेल में रुका था ना, वैसे अभी मैं पेटीएम में रुकूंगा वेव टू की करेक्शन के लिए, फिर वेव थ्री में, जैसे भेल में हमने अभी 10x पे जाने वाला है, 5x तो हो गया, 10x भी जाएगा, वैसे पेटीएम में भी करूंगा मैं, और ये तो एफएनओ में भी आ गया है स्टॉक मोस्ट प्रोबेबली, राइट। जबरदस्त है, आपने बेटर फूड पूछा है, तो बेटर फूड की क्या वेव काउंट है, तो ओके वापस वही देखो, अब ये एक्सटेंशन में जा रहा है 1 2, फिर वापस मे बी 3 4 है या 1 2 है, बड़ा बोलना डिफिकल्ट है, बट ओके 1 2 3 4 5, ओके ये देखो, अब ये लो से क्या वेव काउंट है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4th हो गया, 5th ऊपर जानी है, ओके ये इंटरमीडिएट नहीं है, माइनर डिग्री है, डिग्रीज चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे है, तो बेटर फूड में फिर 5 आएगी ऊपर, ओके सिंपल, बहुत सिंपल है, ओके एक मिनट, ये ओवरलैपिंग नहीं है, ओके ओवरलैपिंग नहीं है, थोड़ा एक मिनट वापस थोड़ा देखना पड़ेगा, वही चाहिए, तो क्या वेव कौन बनेगी वेक्टर फूड में, एक 5th वेव आएगी ऊपर में और उसके बाद वापस नीचे आना है उसको वेव 5 के बाद, ओके या मे बी दिस इज 1 2 1 2, दैट वी डोंट नो, अब ये अगर ट्रेंड चैनल तोड़ के ऊपर चली जाती है तो 1 2 1 2, अदरवाइज 1 2 3 4 5, फिर वापस 4th में नीचे आनी है, फिर बड़ी वाली वेव में ऊपर जानी है, राइट। और आपने पूछा था एप्टेक, तो एप्टेक की क्या वेव काउंट है, तो भाई स्टॉक नीचे ही जा रहा है एप्टेक, भाई ये स्टॉक में मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ओके अभी आप यहां से देखोगे तो 1 2 3 लगेगा, लेकिन 1 2 3 के बाद 4th तो नीचे आ गई, मीन्स ये ओवरलैपिंग हो गई, ओके तो मीन्स गड़बड़ है कुछ स्टॉक में, 1 2 3 4 5, स्टॉक में डेफिनेटली गड़बड़ है, ओवरलैपिंग है एप्टेक में, ओके वीकली पे जाते हैं, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 1 2 3 के बाद 4th ओवरलैप हो रही है, तो क्या है, तो ये देखो और यहाँ पे भी ओवरलैपिंग है, देखो एप्टेक में 1 2 3 के बाद 4th ओवरलैपिंग हो रही है, तो मेरे हिसाब से ये अभी इंटरमीडिएट डिग्री में 1 2 3 4 5 हो गया, 5 वेव्स कंप्लीट हो गए हैं एप्टेक के इंटरमीडिएट डिग्री के, ओके ऊपर वाली डिग्री के, फिर करेक्शन में जा रहा है, ये स्टॉक फिलहाल तो अवॉइड करो आप एप्टेक को, ओके मींस ये को ना, ये क्लियर डायगोनल है, 1 2 3 4 5 डायगोनल दिख रहा है मुझे, उसके बाद फिर मींस इसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे को ये स्टॉक में, क्या मीन नीचे 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 जा रहा है, फिर मींस रिट्रेसमेंट, फिर ऐसा, फिर उसकी वेव आएगी ऊपर की, तो नॉट सो गुड स्टॉक, अवॉइड, ऊपर में मिले तो बेच देना एक बार उसको, राइट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और HCC पूछा था आपने, तो HCC में क्या है लास्ट स्टॉक ऑफ द डे, वाओ ये देखो अभी ये स्टॉक देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट, बहुत मैं इसको 2011 से जब से आया था तब से ट्रैक कर रहा हूँ भाई, इतने साल के बाद ऊपर आया है, 2008 का है अभी भी नहीं तोड़ा है, तो मीन वो आप बोलते हो ना कि भाव तो आ ही जाएंगे, भाई भाव आए नहीं है इसके, ऐसे बहुत स्टॉक में दिखा सकता हूँ जिसके भाव आए नहीं है, ये तो पास्ट है, फ्यूचर क्या है उसका, तो अब ये उसकी वेव चालू हो गई ऊपर वाली, तो सिंपल मैं बोलूंगा यहाँ पे ट्रेंड चैनल डाल दो, ओके HCC में एक ऊपर की वेव आएगी, पेंडिंग है ऊपर की एक वेव, उसके बाद रिट्रेसमेंट देने वो आएगा, ओके एक 1 वेव हायर इज पेंडिंग, फिर वो रिट्रेसमेंट में आएगा मे बी, ये देखो ये देखो ये जो ब्रेकआउट है ना ये वाला, वो रिटेस्ट करने आएगा यहाँ पे और फिर वो नेक्स्ट वाली वेव में जा सकता है ऊपर, तो दिस इज माई मीन्स ये एक लास्ट वेव, फिर नीचे फिर ऊपर, दैट्स माई व्यू ऑन HCC, ओके सो दैट्स इट फ्रॉम टूडेज अपडेट, आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आपको मेंटरशिप में आना है तो ये आपका लास्ट चांस है, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट बैच 25,000, उसकी नेक्स्ट बैच 30,000, भाव बढ़ने वाला है, सो आना है आ जाओ सिखा लूंगा, सो दैट्स इट, कीप लविंग कीप लर्निंग कीप अर्निंग विद अस, और ज्यादा से ज्यादा शेयर ज्यादा लाइक करना, दिस इज अस साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट।